तो गाइस आज मुझे लग रहा था कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा, मेरा ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मेरा मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया है, फेवरेस्ट सा लग रहा था दोस्तों। लेकिन हाँ, आज अब लग रहा है जैसे कि डेली लाइफ ब्लॉग होता है दोस्तों, और लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब मेरा ब्लॉग बन जाएगा दोस्तों। तो आइए दिखाता हूँ आपको आज मेरे डेली लाइफ में क्या क्या मोमेंट्स हुए हैं दोस्तों, और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए दोस्तों। जो भी आप प्यार दे रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए ब्लॉग को और आगे बढ़ाते। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। गाइज आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, हम सब भी यहाँ स्वस्थ हैं। तो गाइज आज सुबह हो चुकी है, नहा धोवा के हम तैयार हो गए हैं, और बच्चे स्कूल, दोनों बच्चे आज स्कूल गए हैं दोस्तों। किट्टू भी रो रही थी लेकिन फिर भी उसको स्कूल गई है। स्कूल में जाने के बाद 5 मिनट के बाद वो चुप हो जाती है दोस्तों। और वृत्ति भी स्कूल गई है, और आज नया ब्लॉग है दोस्त, नई एक्साइटमेंट है, नया दिन है, और डेली लाइफ ब्लॉग है दोस्तों। तो मुझे भी नहीं पता डेली लाइफ में क्या हो सकता है, कुछ अगले मिनट में कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा, कुछ यूनिक हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं आज क्या क्या लाइफ में होने वाला है दोस्तों। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहते हैं दोस्तों। तो गाइस किट्टू स्कूल से आ चुकी है, और आके मतलब स्कूल तो ड्यूटी गई थी लाने के लिए, आज मैं नहीं जा पाया था। और स्कूल से आते वक्त इसने जेम्स भी खरीदवाए हैं, चुपा चुपी खरीदवाए, और घर पे आने के बाद कुछ खाई नहीं है, नहाया धोया है, और उसके बाद आइस, ये क्या बोलते, कुल्फी खाने के लिए परेशान करने लगी। तो दिखाता हूँ गाइस किट्टू को, देखिए ये क्या कर रही है, मस्ती अभी। हेलो गाइस, कर दीजिए, ऐसे ही करती है दीदी। आप अभी क्या खा रहे हो? चुपा चुप खा रहे हो, कैसा लग रहा है खाने में? और आप कुल्फी खाने के लिए इतना क्यों परेशान करने लगे थे? स्ट्रॉबेरी, अच्छा, और कुल्फी भी खाया आपने? हाँ? कुल्फी भी खाया, हाँ? तो फिर आपका खांसी कैसे ठीक होगा? हाँ? और मम्मा को आप, हाँ, और मम्मा को आपने बताया कि स्कूल में आप रोने लगे थे, क्यों रोने लगे थे गाइस को बता दीजिए। मैम ने आपको कलर नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि आप गंदी बच्ची हो, इसलिए मैम ने कलर नहीं दिया और आप रोने लगे। हाँ? अच्छा, मैम ने बोला आप गंदी बच्ची हो। हाँ? बोल तो जय श्री राम, जोर से। अच्छा तो गाइस आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक्टिव नहीं हूँ, और एक्टिव नहीं हूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे थोड़ा कफ एंड कोल्ड भी हो गया है, थोड़ा फेवरेस्ट सा भी लग रहा है दोस्तों। तो आई डोंट नो, मतलब आज का ब्लॉग मैं क्या और कैसे अपलोड करूँगा, आई डोंट नो, अभी तक तो कुछ नहीं पता है। शाम हो चुके हैं दोस्तों, जो भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाया अभी तक कर पाया हूँ, अभी भी थोड़ा समय है, देखते हैं। डेली लाइफ मूवमेंट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। दवाई एकदम से मैं नहीं लेता हूँ, और मतलब ये आज ही थोड़ा सा शुरू हुआ है दोस्तों, लो फील हो रहा है नाश्ते के बाद से, तो मैं थोड़ा आराम कर रहा था, अभी थोड़ा उठा हूँ, तो मैं सोचा कि चलिए आपसे थोड़ा बातें करता हूँ दोस्तों। तो ब्लॉग में अभी कुछ शूट वैसा नहीं कर पाया हूँ, बाकी देखते हैं, बने रहिएगा ब्लॉग पे, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो इतना बड़ा, अरे बेटा काट के खा गई। ये देखिए गाइस, अपना तो आइसक्रीम खा ही रही है, अपने मम्मी का भी आइसक्रीम काट के खा रही है। कैसा लग रहा है आइसक्रीम? ब्यूटी, अच्छा लग रहा है। किट्टू आपको कैसा लग रहा है? इसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम खा रहे हैं। खांसी भी हो रहा है, आइसक्रीम भी खा रही है, देख रहे हो? आइसक्रीम का मजा लेते हुए दोस्तों, दोनों माँ बेटी। ये देखिए गाइस, जो पानी, ये पानी में तैर रही है, पानी फटा नहीं। हाँ हाँ, पानी से। हाँ देखिए, तो गाइस आई एम फीलिंग बेटर नाउ, और अभी मैं बाहर से ट्रिम वगैरह करा के आया हूँ, थोड़ा सा अभी हल्का सा फील हो रहा है दोस्तों। चलिए अभी दूध लाने का समय हो गया, तो दूध लेके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दोस्तों। तो गाइस मैं दूध भी ले आया, और जैसा मैंने आपको बताया था डेली लाइफ ब्लॉग है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। तो आइए दिखाता हूँ घर में क्या बन रहा है, और गाइस ये आपको थंबनेल देख के तो पता लग ही जाएगा कि हाँ क्या बन रहा है, लेकिन फिर भी वीडियो में देखने का मजा ही कुछ और होता है। तो चलिए आइए दिखाते हैं ब्यूटी क्या बनाने वाली है दोस्तों। तो गाइस इनका कुछ ठीक नहीं है, ये कभी जमीन पे पानी में तैरने लगती हैं, और ये देखिए कभी ये बच्चों की तरह ये करने लगती हैं। ये आप क्या कर रहे हो बेटा? गाइस को बताओ क्या कर रहे हो? झूला झूल रही हो? अच्छा देखिए गाइस। तो गाइस
आज मुझे लग रहा था कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा, मेरा ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मेरा मुंह का टेस्ट खराब हो गया है, फेवरेज सा लग रहा था दोस्तों। लेकिन हाँ, आज अब लग रहा है जैसे कि डेली लाइफ ब्लॉग होता है दोस्तों, और लाइफ में कुछ भी पॉसिबल है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो मुझे लगता है कि हाँ, अब मेरा ब्लॉग बन जाएगा दोस्तों। तो आइए दिखाता हूँ आपको आज मेरे डेली लाइफ में क्या क्या मोमेंट्स हुए हैं दोस्तों, और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए दोस्तों। जो भी आप प्यार दे रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए ब्लॉग को और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये मटन करी बन रहा है। ये देखिए धुआं धुआं हो गया दोस्तों, लाजवाब। मुंह का टेस्ट खराब हो गया दोस्तों, तो मेरे ख्याल से अब ठीक हो जाएगा खाने के। गाइस, मस्त खाना पीना हो चुका है, और ब्यूटी ने बहुत टेस्टी मटन करी बनाया था दोस्तों, और उसमें मतलब आज बिल्कुल भी ज़्यादा तीखा नहीं लगा ब्यूटी, मज़ा आ गया खा के। और दोस्तों, बड़े लोग अपने रूम में चले गए हैं, किट्टू और ऋतु अपने रूम में टीवी देख रही है दोस्तों, और अब सोने का समय हो गया और एडिट भी करना है दोस्तों। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आज के ब्लॉग में आपने देखा मेरी तबीयत खराब थी, हम ठीक भी हो गए, और मटन करी भी खा लिया दोस्तों, और किट्टू को आपने देखा कैसे मस्ती कर रही है, ब्यूटी ने आज आइसक्रीम भी इंजॉय किया है। तो आज तो काफ़ी सारा कुछ हो गया दोस्तों। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा ब्लॉग आपको पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। औरों को जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, हमें भी वैसे दीजिए दोस्तों, हम कोई गैर नहीं है आपके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।